हर कितना बेटियों को समझो फकीर तुम, हर कितना बेटियों को समझो फकीर तुम। बनता है बेटियों से शजरा सरकार का। अभी आप जो जामियातुल हिदाया प्रतापपुर अपने नजरों के सामने देख रहे हैं, जिसको ये किन हालात से गुजर करके, जिन पुर खतर रास्तों से गुजर करके, जिन खारदार झाड़ियों से गुजर करके कैसे इस मकाम तक पहुंचा, कैसे इस हकीकत तक पहुंचा, इन तमाम चीजों के को बयान करने के लिए मैं अमीर शरीयत सदर जलसा के हुक्म के मुताबिक मैं सबसे पहले जामियतुल हिदाया प्रतापपुर के बानी और नाजिम कारी मुश्ताक अहमद साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं, वो तशरीफ लाएं और जामिया के मुकम्मल अहवाल सामियान के सामने रखें। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मुअज्जज उलमाए इकराम, बुजुर्गों और दोस्तों और दूर दराज और क़ुरब जवार से आए हुए मेहमानान कराम और ख़वातीन इस्लाम तलबाए इज़ाम, आज हम एक ऐसे मकाम पर इकट्ठा हुए हैं जिसको कुरान मुक़द्दस और मदनी आका ताजदार दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से निस्बत हासिल है। हम तमाम मेहमानान इकराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हजरात अपने गुनागों मसरूफियात व मशगूलियात के बावजूद यहाँ तशरीफ लाकर जलसे को जीनत बख्शी और मेरी हिम्मत अफजाई की, और मैं बेहद ममनून और मशकूर हैं हम अपने जामिया के असातदा इकराम मुखलिसीन मुहिब्बीन और मुखय्यर हजरात का कि आपने इस जलसे को सजाने और कामयाब बनाने में मेरा तआवुन किया। हजरात ग्रामी कदर, मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ इस इदारे के ताल्लुक से चंद झलकियाँ आपके सामने और चंद यादें आप हजरात के सामने रखना चाहता हूँ। हजरात ग्रामी, बिल यकीन ये एक मुसलिमा हकीकत है कि कौमों की रफ़ातो बुलंदी, इज्जत अजमत का इन्हिसार हमेशा इल्मी सरमाया पर ही रहा है। ये बात चढ़ते सूरज की तरह आया है कि जब भी किसी कौम पर जिहालत और गुमराही की जुल्मत छाई तो कौम तरह तरह की बदआमालियों और बुराइयों में मुलविस हो गई, फिर उस कौम की तमाम रफातें बुलंदियां पस्ती में तब्दील हो गई और उस कौम का कोई पुरसान हाल न रहा। इन्हीं वजूहात की तदारुक के पेश नजर जामियातुल हिदाया प्रतापपुर की क्याम अमल में आया। आज से तकरीबन 30 साल कबल यहाँ एक अंजुमन चलती थी जिसका नाम इत्तिहादुल मुस्लिमीन था। इस अंजुमन के जेर इंतजाम मकतब चला करता था। फिर सन 2005 में अल हिदाया एजुकेशनल सोसाइटी के जेर इंतजाम जामियातुल हिदाया का क्याम अमल में आया और इस पूरे इलाके में इल्म का शमा रोशन, ये इसलिए ताकि इस पूरे इलाके में इल्म का शमा रोशन हो सके, इसलिए अंजुमन की बनाई हुई खपड़ेल की वो इमारत जो अब मौजूद नहीं है उसमें तारीखी सिलसिला का आगाज हुआ, मगर सुय इत्तेफाक चंद ही दिनों में हालात का शिकार हो गया और मजबूरन मदरसा किराए के मकान में मुंतकिल हो गया और तकरीबन 12 साल तक मदरसा किराए के मकान में चलता रहा। फिर अराकीन जिम्मेदारान की तवज्जुहात से ये जमीन जहां इस वक्त इदारा को अपने नजरों से देख रहे हैं हासिल की गई। चुनांचे अभी ये इदारा मुस्तकिल और मुनज्जम तरीके से परवान चढ़ाना था कि दोबारा हालात और हवादिसात का शिकार हो गया और ऐसा महसूस होने लगा कि अब मदरसा बंद हो जाएगा।
चुनांचे कुछ अपने ही हासिदीन मुआनिदीन ने अपनी जाह हस्मत की खातिर इदारे को नुकसान पहुंचाने की बेहद कोशिशें की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चंद मुखय्यर अहबाब रिश्तेदार व अकारीब की हिम्मत और हौसला, बिलखसूस इदारे के सरपरस्त आला अमीर शरीयत इमारत शरिया हजरत मौलाना मुफ्ती नजर तौहीद साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया हमारी बहुत ने और हमारे बहुत ही मुखलिस वो सरपरस्त हजरत मौलाना इनायतुल्लाह साहब जामी इमाम खतीब नूरानी मस्जिद फैजाबाद के तवज्जुहात मशवरे और उनके दुआओं ने हमें हौसला बख्शा और एक बार फिर इदारा तरक्की की राह पर चल पड़ा जो जो अब तक बदस्तूर जारी है। हजरात ग्रामी इस जगह मैं अपने वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद सलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह और अपनी वालदा मोहतरमा का जिक्र किए बगैर नहीं रह सकता और ये बरजसा कह सकता हूँ कि सब मेरे वालिदैन की दुआएं इन्हीं छवि का नतीजा समरा है। हजरत ग्रामी हजरात ग्रामी कदर अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इदारा जिसको आप देख रहे हैं हजरत ग्रामी कदर अल्हम्दुलिल्लाह अब इदारा जिसको आप देख रहे हैं 26 कट्ठा जमीन पर सलीम एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के जेर इंतजाम अपनी जमीन और अपनी इमारत में सन 2005 से बहुसन खूबी अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। मजकूरा इन चंद दिनों में जामिया ने बेशुमार हुफाज इकराम को जन्म दिया और फिल वक्त कसीर तादाद में तलबा जेर तालीम है। जामिया में बहुत से उलमाए दीन और नामवर असातिज़ा इकराम तशरीफ लाए जिनकी बदौलत सिर्फ मदरसा ही नहीं बल्कि इलाके के आवाम उन्नास भी मुस्तफिज हो रहे हैं। हजरात ग्रामी मस्कुरा बातों से आप हजरात ने महसूस कर लिया होगा कि मदरसा वाकई दीन का सरचश्मा है जिसका बाकी रहना अदहद जरूरी है और ये सब अहले खैर के ताउन पर मुनहसिर है। मदरसा का कोई मुस्तकिल जरिए आमदनी नहीं है, इसी वजह से हमारा बहुत सारा तालीमी व तामीरी मनसूबा अधूरा है। दरसगाहों की तामीर और बाउंड्री की अलावा मतबख व स्टोर रूम की तामीर अधिक जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ही बाद नमाज मगरिब मतबख व स्टोर रूम की संग बुनियाद अकाबिर उलमाए कराम के हाथों हो चुकी है। आप हजरात से दर्दमंदाना अपील है कि हमारे तालीमी व तामीरी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आखिर में हम इन तमाम उन तमाम मुआमिनीन मुखलिसीन के ममनून हैं जिन्होंने हमें आज के इस जलसे दस्तारबंदी को कामयाब बनाने और अपनी खिदमत और जिम्मेदारी की अदायगी में किसी किस्म की भी एयानत और मदद फरमाई हो। हकीकत यह है कि हमें अगर आपका तआवुन वक्त पर न मिलता तो हम ऐसी खिदमत न कर सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका मुखलिसाना तआवुन ने इदारा और जलसे को कामयाब बनाने की जमानत दी। हम दुआगो हैं अल्लाह ताला हम सब के मेहनतों और कोशिशों और काविशों और इमदाद तआवुन को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। अब हम अल्लामा अकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर से अपनी बात को खत्म करते हैं कि हम कहाँ रुकते हैं अर्शो फर्श की आवाज से, हम कहाँ रुकते हैं अर्शो फर्श की आवाज से, हमको जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज से। आखिर में हम आप तमाम हजरात को मुबारकबादी पेश करते हैं और आज के इस नूर निखत में डूबी हुई रात में दिल की अता गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं और शुक्रिया अदा करते हुए रुखसत होते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारी इन तमाम गुजारिशात पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। फकत वमा अलैना इल्ला अल बलाग।